एक्चुअली मैंने आज तक सिर्फ छोटे मोटे चीजें होस्ट करी है, यू नो, स्कूल में टीचर डे, चिल्ड्रन डे. पहली बार मैं इतना बड़ा इवेंट, विस्टाफ का इवेंट, जीमा, तो आपको पता ही है कितना बड़ा इवेंट है. तो प्रेपरेशंस थोड़ी बहुत जाएंगी, लेकिन मैं ऐसी इंसान हूँ जो ज़्यादा रिहर्सल में करती हूँ तो मैं सब खराब कर देती हूँ. आई वुड लाइक टू बी स्पॉन्टेनियस एंड आई विल बी ऑन स्टेज. बहुत कम प्रेपरेशन. ओ गॉड, आप मुझे इंडस्ट्री से पहले साल में ही निकलवा देंगे. पता नहीं यार, एक्चुअली मैंने अभी सोचा नहीं है. मैं जितनी भी प्लानिंग करती हूँ ना, वो सब चौपट हो जाती है. तो मैं स्टेज पे जाने वाली हूँ और जो मेरे दिमाग में उस टाइम आएगा बस मैं बोलती जाऊँगी. यार, होस्टिंग ही सबसे बड़ी परफॉर्मेंस होती है. उसमें आई थिंक आजकल होस्ट डांस भी करते हैं, गाते भी हैं, बातें भी करते हैं, ऑडियंस से इंटरेक्ट भी करते हैं. उसके अलावा मैं एक और स्पेशल परफॉर्मेंस करूँगी तो आप लोग ही बोर हो जाएंगे मुझसे. नो, आई विल बी को होस्टिंग विद समबडी, बट माई को होस्ट इज अ सीक्रेट. इट्स गोना बी अ सरप्राइज. हाँ बिल्कुल, मेरी पूरी फैमिली गाना गाती है. एक्चुअली हमारी फैमिली में ऐसा कोई है जो गाना नहीं गाता. मैंने इनफैक्ट सीखा हुआ है, मैंने 6 साल सीखा है और मैंने एग्जाम्स दिए हैं. आई एम अ बीए ऑनर्स इन म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. तो मैं तो उठती म्यूजिक से हूँ, सोती म्यूजिक के साथ हूँ, मैं तो नहाते हुए भी म्यूजिक सुनती हूँ. तो आई एम फुली इंटू म्यूजिक. इसका जवाब बहुत अच्छा है मेरे पास, क्योंकि वो हर एक अवार्ड फंक्शन में होता है. जीमा इज नॉट लाइक एनी अदर अवार्ड फंक्शन, इट्स अ म्यूजिक अवार्ड फंक्शन. द फोकस इज ओनली ऑन म्यूजिक. अवार्ड फंक्शन में दूसरी फिल्मों की मिमिक्री होती है क्योंकि वो फिल्म अवार्ड्स हैं, ये म्यूजिक अवार्ड्स में. तो अगर मैं किसी सिंगर की मिमिक्री करूँ वो बहुत अलग बात है, बट वो कभी होगा नहीं. द फोकस विल ओनली बी ऑन म्यूजिक, नॉन फिल्म, फिल्म. एंड आई डोंट थिंक अगर बाकी सब होस्ट मिमिक करते हैं तो मैं भी वो करूँ. आई डोंट थिंक सो. कुछ नया करते हैं यार इस साल, और आई ट्राई कि मैं कुछ नया करूँ. डोंट बी बायस टुवर्ड्स प्रियंका. नहीं, मुझे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, और मैं कोई नाम लेती हूँ और अपनी बहन का नाम नहीं लेती, तो वो बोलते क्यों प्रियंका आपकी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है. मैं उसको उस लाइट में कभी देखती नहीं हूँ, तो मैं उसका नाम नहीं लिख सकती. और वो मेरी बहन है, मैं उसको बोलूँगी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मेरी बहन है तो बहुत स्ट्रेंज है. मुझे लगता है वो बहुत अच्छी सिंगर है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन हम लोग साथ में बड़े हुए हैं यार. मैं उस लाइट में उसको देखती नहीं हूँ, तो डोंट वरी, आई विल नॉट से हर नेम. बट माई फेवरेट मेल सिंगर इज सोनू निगम, फेवरेट फीमेल सिंगर इज सुनिधि चौहान, एंड कंपोजर रहमान साहब, अमित त्रिवेदी. Lots of singers आए, बहुत सारे नए नए सिंगर्स आए हैं. शालमली, नंदिता, सुपर, दे आर ऑल सुपर. यार नहीं, अभी तो वो अमेरिका में है और ये एक्चुअली एक दो दिन पहले ही कन्फर्म हुआ है जीमा और मेरा होस्टिंग का. तो अब मैं प्रेपरेशन शुरू करूँगी, तो हाँ मैं ज़रूर उसको फ़ोन करके पूछूंगी भैया क्या करूँ बताओ. एंड एक्चुअली नॉट ओनली होस्टिंग, मैं कोई भी नई चीज़ मैं शुरू करती हूँ और मुझे पता नहीं होता मैं क्या करूँ, मैं हमेशा उसी से पूछती हूँ. बिकॉज यार वो 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो शी नोज एवरीथिंग नाउ. एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो बोलते हैं हम फूडी हैं, लेकिन मैं ट्रू सेंस में फूडी हूँ. मुझे हर टाइम कुछ नया चाहिए होता है खाने के लिए. मैं हर रोज़ कुछ नया ट्राई करती हूँ. मैं जानती हूँ मैं एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मैं डाइट नहीं करती हूँ. जब मुझे ज़रूरत होती है फिर मैं बहुत वर्कआउट करके मेहनत कर लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज यू नो आई एम नॉन वेजिटेरियन. तो मैं पक्की नॉन वेजिटेरियन हूँ. पंजाबी हूँ तो आई लव फूड. मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मुझे सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. आई होप फ्यूचर में मैं कभी सिंगिंग भी करूँ. और मैं बातें बहुत करती हूँ जैसे कि आपको पता ही है. और एक्टर्स की लाइफ की खूबी ये होती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं. हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, हमें नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं. जब हम कुछ अलग रोल करते हैं तो अलग कल्चर सीखने को मिलता है, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में शायद इतना करते नहीं हैं. तो अब जो जो अगर कोई अंदर टैलेंट्स हैं तो वो शायद बाद में निकले. यार मैंने कभी डांस नहीं सीखा. आई थिंक मैं दिल से डांस करती हूँ, बस वही करती रहूँगी, सीखा नहीं है कभी. मैं परेशान 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 आतिश वो कहाँ. मैं परेशान 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 रंजिश है धुआं. आई होप मुझे अगर कोई चांस दे तो जरूर. जिस तरह से उनका डेब्यू हुआ है हॉलीवुड में, एक बड़े सिंगर विलायम जैसे जो लेडी गागा के मैनेजर हैं वो उनका गाना कर रहे हैं, तो उनका डेब्यू आई डोंट थिंक इतना बड़ा डेब्यू कभी किसी का हुआ है. और अगर ऐसा चांस मुझे मिले मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, जरूर.